नवरात्रि व्रत स्पेशल आज हम बनाएंगे मखाने की खीर। अगर आप भी साबूदाना, आलू ये सब खा के बोर हो गए हैं तो इस हेल्दी और टेस्टी स्वीट रेसिपी को जरूर ट्राई करें। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मखाने की खीर की रेसिपी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आप एक कढ़ाई ले लें और इसमें डालें एक चम्मच घी। देसी घी का यूज करें। जैसे घी गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे एक कप मखाने। मखाने को हम लोटस सीड्स या फॉक्स नट्स भी कहते हैं। ये काफी हेल्दी और टेस्टी होते हैं। अब हमें इन्हें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर घी रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करें और आप देख सकते हैं कि ये काफी क्रिस्पी हो गए हैं। ध्यान रखें कि इनका कलर ज्यादा चेंज ना हो। व्रत के टाइम पे तो मखाने जरूर खाने चाहिए, ये आपकी बॉडी को काफी स्ट्रेंथ देते हैं। तो अच्छे से रोस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने मखानों को एक बोल में निकाल लिया है। इन्हें ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं और वापस से उसी कढ़ाई में डालें एक चम्मच देसी घी। जैसे घी गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच बादाम। इसके मैंने आधे आधे टुकड़े कर लिए हैं और फिर इसके साथ ही इसमें डालें एक बड़ा चम्मच काजू। काजू को भी मैंने आधा तोड़ लिया है। अब इन्हें भी लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए घी रोस्ट करना है। जैसे ही इसमें एक हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे तब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच चिरौंजी और एक चम्मच किशमिश। अब इन सबको अच्छे से मिलाते हुए घी रोस्ट कर ले। सारे ड्राई फ्रूट्स का कुकिंग टाइम डिफरेंट होता है, इसीलिए किशमिश और चिरौंजी को बिल्कुल एंड में डालें। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स भी घी रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें एक बोल में निकाल लें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है एक भारी तले की कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे 3 कप दूध, यानी कि 750 ml दूध। ये फुल फैट मिल्क है। मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि खीर क्रीमी और थिक बने तो आप फुल फैट मिल्क का ही यूज करें। अब गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखते हुए हम इसे लगातार चलाते हुए बॉइल पर लाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में एक बॉईल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक पिंच केसर। केसर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दें। साइड पे जो मलाई जम रही है उसे स्पैचुला से हटाते जाएं और दूध में मिलाते जाएं। अब हम बीच बीच में हिलाते हुए दूध को सिमर करेंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि 3 कप दूध 2 कप ना रह जाए। हमें इसे रिड्यूस करना है तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दें और आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मखाने हमारे ठंडे हो चुके हैं। इसमें से हम 3 छोटे चम्मच मखाने अलग कर लेंगे और इसे डालेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर के छोटे वाले जार में। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच काजू का। अब हम इन दोनों को ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फाइन पाउडर बिल्कुल तैयार है। इस पाउडर को डालते ही हमारी खीर काफी थिक हो जाएगी और ये खीर को देगा एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर। तो यहाँ पे दूध को सिमर होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। दूध काफी थिक हो गया है। इसे एक बार स्पैचुला से हिला दें और मलाई जो साइड पे जमी है उसे स्क्रेप करके दूध में वापस मिला दें। अब इस दूध में हम डालेंगे हमारा बनाया हुआ मखाना और काजू का पाउडर। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें। इससे आपकी मखाने की खीर का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे हमारे रोस्ट करे हुए मखाने और साथ ही हम इसमें मिलाएंगे हमारे घी रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। इसमें से 1 चम्मच ड्राई फ्रूट रिजर्व करके रख लें बाद की गार्निशिंग के लिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें, साइड की मलाई को हटाते जाएं और दूध में वापस से मिलाते जाएं। और अब दूध को ओकेजनली हिलाते हुए 5 मिनट के लिए हम और सिमर करेंगे। इससे हमारे मखाने बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और जो हमने पाउडर डाला था उससे आपका दूध भी काफी थिक हो जाएगा। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलिशियस खीर बन के तैयार होती है। इसे इस नवरात्रि के व्रत में जरूर ट्राई करें। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी। चीनी की क्वांटिटी को बिल्कुल इतना ही रखें, परफेक्ट मेजरमेंट है ये। और फिर इसमें डालें 1 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें और खीर को वापस से सिमर होने दें सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट बाद यहाँ पे मैं आपको खीर की फाइनल कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया मखाना खीर बन के तैयार हुई है। इसे और ज्यादा गाढ़ा ना करें, जैसे ही ये ठंडी होगी ये काफी थिक हो जाएगी। तो बस ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी मखाना खीर बनके बिल्कुल तैयार है।
आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं और या फिर मेरी तरीके से ठंडी खीर एंजॉय कर सकते हैं। इस पे गार्निश करें थोड़े से मखाने, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, पिस्ते की कतरन और थोड़ा सा केसर। तो इसे जरूर ट्राई करें और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।